हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशेंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट नीड और इम्पोर्टेंस क्या रहती है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की। इसे लास्ट क्लास में हमने मीनिंग समझा था और क्या कारण रहते हैं कैशबुक और पासबुक के बैलेंस मिसमैच होने के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखें ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहां पे कुछ कारण ऐसे रहते हैं जिस कारण से बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। जैसे सबसे पहला कारण आता है कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट से लोकेट हो जाती है वो गलती या फिर वो ओमिशन। ओमिशन का मतलब था कि भूल गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, एरर्स होते गलती, कि ये गलती कस्टमर की साइड से भी हो सकती है या फिर बैंक की साइड से भी हो सकती है, जिस कारण से कैशबुक और पासबुक के बैलेंस जब मिसमैच हो जाते हैं। यानी कि चाहे गलती कस्टमर करे चाहे गलती करे बैंक, दोनों में से अगर किसी एक ने भी गलती कर दी है तो कैशबुक जो कि प्रिपेयर किया था फर्म द्वारा, पासबुक जो कि प्रिपेयर किया था बैंक द्वारा, तो कैशबुक और पासबुक दोनों के बैलेंस जब मिसमैच हो जाते हैं, एरर को डिटेक्ट करने के लिए उसको रेक्टिफाई किया जाता है ताकि जो मिसमैच है बैलेंस वो इक्वल हो जाए जिसको रिकॉर्ड किया था बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर। जब बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उससे जो कस्टमर होता है वो श्योर हो जाता है कि जो उसने कैशबुक के अंदर बैंक बैलेंस दिखाया वो करेक्ट है, क्योंकि कैशबुक का और पासबुक का दोनों का बैलेंस मैच होना जरूरी होता है। अगर बैलेंस मैच हो गया तो कस्टमर को श्योरिटी हो चुकी है कि कैशबुक के अंदर बैंक बैलेंस जो दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसको हेल्प हो जाती है फर्दर ट्रांजेक्शन विद द बैंक, बैंक के अंदर फर्दर ट्रांजेक्शन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करते हैं कैशबुक है शो करते हैं बैलेंस 20,000 का, जबकि जो पासबुक है वो कितना दिखा रही है 15,000। अब यहाँ पे फर्म ने तो 20,000 रिकॉर्ड कर दी कैशबुक के अंदर, जबकि बैंक ने पासबुक के अंदर 15,000 रिकॉर्ड की है, तो फ़र्क कितना आ गया 5,000 का। तो इस फर्क को, जो ये डिफरेंस है 5,000 का, इसको रिकंसाइल किया जाएगा। कैसे रिकंसाइल करेंगे, कहते हैं डिस्क्लोज करेंगे कि जो चेक है 5,000 का वो डिपॉजिट किया गया है बैंक के अंदर लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया, या फिर ये चेक क्या हो चुका है डिसऑनर हो चुका है। अब यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि चेक है जो इशू किया गया जो बैंक के अंदर वो 15,000 का ही है, यानी कि जो फर्दर चेक इशू किया जाएगा कितना किया जाएगा सिर्फ 15,000 से ही, क्योंकि अब फर्म को पता चल चुका है कि जो एक्चुअल बैलेंस कितना है वो 15,000 का ही है, जबकि उसने कैशबुक में 20 का दिखाया था। तो 20,000 का बैलेंस कैशबुक का, 15 जो पासबुक का, 5,000 का जो ये कमी आई है ये चेक के डिसऑनर होने के कारण आई है। तो कमी पता चल गई जिस कारण से अब यहाँ पे कस्टमर है जो वो अपने कैशबुक को लेकर के श्योर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे वो जो इशू करेगा चेक वो सिर्फ 15,000 का ही करेगा। नेक्स्ट जो नीड पड़ती है रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की, कहते हैं कि इससे फैसिलिटेट हो जाते हैं जो रिवाइज्ड कैशबुक होती है उसको बनाने में, यानी कि रिवाइज कैशबुक को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो बनाई गई है। कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो बैंक पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लेती है लेकिन फर्म में उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते जब तक फर्म को पता नहीं चल पाता उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी है बैंक द्वारा पासबुक के अंदर। फर्म को उन ट्रांजेक्शन का सिर्फ तभी पता चल पाता है जब वो पासबुक की एंट्री करवा के आती है बैंक के अंदर। वो ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, जैसे बैंक चार्जेस की, इंटरेस्ट अलाउड या फिर चार्ज बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, यानी कस्टमर के बिहाफ पे कई बार डायरेक्ट पेमेंट की जाती है बैंक द्वारा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन है जो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी हैं लेकिन कैशबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई अभी तक। तो ये सारी एंट्री द्वारा जब कैशबुक बनाई जाएगी तो उस टाइम पे इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिकल जो प्रिपरेशन होती है स्टेटमेंट की, वो रिड्यूस कर देते हैं चांस जो होते हैं एम्बेजलमेंट बाय द स्टाफ। यानी कि कई बार क्या होता है कि स्टाफ है जो गड़बड़ घोटाला ना कर पाए जो पैसा होता है उसके अंदर, तो स्टाफ की गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए बैंक रिकंसाइलेशन है जो बेस्ट रहती है, क्योंकि कैशबुक के अंदर बैंक का जितना बैलेंस होगा वही बैलेंस है जो पासबुक के अंदर होना चाहिए, जिस कारण से कोई भी चांसेस है जो नहीं रहते यहाँ पे गड़बड़ घोटाला के
जो भी स्टाफ होता है फर्म का, वो कोई भी गड़बड़ है जो नहीं कर पाता, चाहे बेशक बैंक भी क्यों ना हो, तो बैंक भी किसी भी तरीके की यहाँ पे गड़बड़ है जो नहीं कर पाती। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कैशियर ने क्या किया, एंट्री रिकॉर्ड कर दी कैश बुक के अंदर, जबकि उसको कैश को उसने बैंक के अंदर अभी तक जमा नहीं कराया। तो जब तक बैंक के अंदर जमा नहीं कराया जाएगा, तब तक बैंक पासबुक के अंदर क्रेडिट नहीं करेगा बैलेंस को, जिस कारण से कैशबुक और पासबुक मिसमैच हो जाएगी और फर्म को आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो गलती की जा चुकी है कैशियर द्वारा, और वो आसानी से पकड़ा जाएगा और जो ये डिटेक्ट की जा सकती है एरर इजिली। नेक्स्ट है रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट हेल्प करते रिवील करने में जो अननेसेसरी डिले होती है कलेक्शन ऑफ चेक बाय द बैंक। यानी कि बैंक क्या करती है, जो चेक होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है बैंक के द्वारा, तो कई बार बैंक उन चेक को कलेक्ट करने में अननेसेसरी डिले कर देती है, यानी कि लेट कर देती है, तो उसके बारे में फर्म को पता चल जाएगा। ये हेल्प करती है ट्रैक करने में चेक के बारे में, जिससे यानी कि वो चेक जो सेंड किए गए थे कलेक्शन के लिए, यानी कि जो चेक फर्म द्वारा भेजे गए थे बैंक के पास कि उन चेक को कलेक्ट किया जाए, उन चेक को आसानी से ट्रैक कर सकती है फर्म, जिससे उसको श्योरिटी मिल जाती है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ घोटाला जो बैंक द्वारा नहीं हो पाता। तो रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट जो ज़रूरी होती है बनानी, जिससे कैश बैलेंस यानी कि जो कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस है जो फर्म ने बनाया है, और जो पासबुक के अंदर बैलेंस है जो कि बैंक ने बनाया है, वो दोनों ही कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच हो जाएं। तो ये हमारे पास नीड और इम्पोर्टेंस बनती थी बच्चों रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट की। आई होप क्या क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर क्या रहता है प्रिपेयर करने का बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट को, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्लुएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।